हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। गुड मॉर्निंग। तो अब आज रविवार है हमारा, तो आज माउंटेन ट्रैक पर जा रहे हैं और आपको माउंटेन दिखा रहे हैं। कौन सा है ये? वो माउंटेन है जिस पे अभी हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, और जो आपको वहाँ पर टावर दिख रहा है दैट इज आवर डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे रीच करेंगे। आज हमारे साथ है रेसु भाई, हेलो कीजिए, सूर्या भाई हैं, और सर अभी नए आए हैं, अभय सर हैं। ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमारा तो अभी दूसरा हो रहा है। रास्ता दिख रहा है और ये सीधा रास्ता दिख रहा है, तो सीधा रास्ता उतरेंगे, सीधा रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से। ये ऐसा कुछ रास्ता है कगेरा रोड, और ये पहाड़ है। ये रास्ता हमारे इंजीनियर साहब लोगों ने बना दिया है कि चढ़ने में आसानी हो, उल्टे सीधे रास्ते से ही नहीं जाए। तो भाई लोग, ये तो तंजानिया वेरी डिफिकल्ट बट एक्साइटेड। गोल्ड माइंस देखना है ना? गोल्ड माइंस देखना है और पूरे सिटी का व्यू देखना है। पूरा सिटी व्यू? अभी थोड़ा थोड़ा व्यू आने लगा है, बट अभी टॉप ऑफ द माउंटेन जाके देखेंगे कैसा लगता है। कैसा लगता है? एक लोकल भाई भी लग रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। नहीं लग रहा है सर? हाँ लग रहा है, एकदम लाइट जल रहा है, रात में रहेगा एकदम जगमग जगमग करेगा। तो उससे है पूरा सारे जमीन पे रहता, गेटा सिटी का व्यू आ रहा है। और ये रहा टावर, टावर तो ठीक से दिख भी नहीं पा रहा, इतने हाइट पर है। वहाँ दिख रहा छोटा सा, वहाँ वहाँ जाना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आपको अराउंड सराउंडिंग दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा सराउंडिंग व्यू है, इस तरीके का चढ़ा है दोस्तों, बहुत ही हार्ड है। वर्टिकल इंक्लाइन 75 डिग्री। 75 डिग्री है सर, पूरा खड़ा चढ़ाई है। अभी आ गए हैं, इतना टॉप पे आ गए हैं, सेकंड स्टेज कंप्लीटेड, नाउ फर्दर मूव फॉर द थर्ड स्टेज। फिलहाल थोड़ा माउंटेन ब्यूटी देखिए, और ये सनराइज का जो लालिमा आ रही है, क्या गजब का आ रहा है। ये क्रिकेट खेला जा रहा है लकड़ी और पत्थर से, ये माउंटेन क्रिकेटिंग है। ये हमारे बॉलर हुए, अरे बैट्समैन। तो मैं तो यार यार्कर ही मार दो पैर में। बताइए यार्कर मार रहे हैं पैर में, जूता पहने ना सर, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। पत्थर को पैर मारेंगे, पत्थर को बॉल समझ के मार रहे हैं। अगेन वन स्टेज कंप्लीटेड, सो दिस इज आवर स्टेज 3 और लेवल 3। लेवल 3 का थोड़ा सिनेरियो दिखाते हैं। ये स्टेज 3, आज इसको स्टेज में काउंट करना है। और स्टेज 3 हमारा ये एक तरीके से फाउंडेशन हो गया। लोग पैरों से पस्त है पर हौसले बुलंद है, और आज वो टावर पे जाना है और देखना है कितनी देर में पहुंच रहे हैं। दिस इज आवर लेवल 4, स्टेज 4, वट एवर वी कॉल। बस पहाड़ चढ़ गए। हाँ पांडे साहब को अब एक सहारे की जरूरत है, सहारे की। इन्होंने बहुत ही कमजोर लकड़ी लिया है, लकड़ी इनको ताजा और हरा भरा भी मिल सकता था, बट ये लिए नहीं। ये हमारा दिस इज सो कॉल्ड अपन स्टेज 4। बाहर सिटम सीधे जाएंगे, थोड़ी देर के बाद रास्ता खत्म है, रास्ता यही जाना है, यही रास्ता जाना है। ये पहाड़ी फूल है, सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाया जाए। लेकिन चमेली है नहीं। हाँ चमेली जैसा कुछ लग रहा है, बट है बहुत सुंदर, देखना बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा फूल लग रहा है। एक चमेली नहीं है,
पर खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, खुशबू अच्छी है, खुशबू अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है। चमेली ये देखो हर जगह ये दिख रहा है। यहाँ भी एक बबून है, थोड़ा अभी क्या बोलते हैं रोअर किया था, तो हम लोग सोचे यार क्या चीज़ है, बड़ा बबून था। पर सूर्य कुमार अपना फूल की खुशबू लेने में व्यस्त है, उनको फूल दिखा दिया गया है। अभी थोड़ी थोड़ी सनराइज़ की लाली मार रही है, तो जल्दी सनराइज़ होगा। लेकिन आज तो वेदर जो है वो बारिश वाला है, तो लगता है सनराइज़ आज देख नहीं पाएंगे। जिसको देखने हम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत बहुत ही सुंदर व्यू रहता है यहाँ का सनराइज़ का। ये एक भाई और मिल गया है लोकल वाला, ये भी यहाँ पे रनिंग कर रहा है, दो तीन चक्कर मार दिए बंदे ने। सोचिए कितने अर्ली मॉर्निंग आ रहा है कि सुबह सुबह भाई ये लूटने का प्लान बना रहा है, लूटने का प्लान बना रहा है, चलो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मोबाइल में खींच लिया जाएगा, कनेक्ट रहेगा तो। अभी ये रास्ता भी और बाकी है, ये लौंडे दौड़ रहे हैं, कुछ एक दो बबून अभी दिखे थे सामने सामने, तो अभी सामने एक दो बबून दिखे हैं, अभी देखते हैं और हैं क्या, कहीं पेड़ों में छुपे हों। इधर से ये सूरज भैया कहाँ है बबून? इधर, वो यार भाई साहब मुझे तो नहीं दिखा, ये देखिए झाड़ियों में बैठा हुआ है, कैमरा मैन जरा फोकस करो, कैमरामैन यहाँ एक बबून बैठा हुआ है, और मुँह अलग होता है, हाँ बबून है ना, और दो बबून अभी इधर क्रॉस कर गए, तो शायद हम लोग को देख कर रुक गए हैं इसलिए वो भी क्रॉस नहीं, हाँ क्रॉस करेगा ना, तो अभी थोड़ा पीछे की तरफ देखते हैं, क्रॉस नहीं करा, बैठा हुआ चुपचाप मामा का कहा। अब आ रही है सुबह ही यार। अभी जो मामू बोला था, मामू मतलब हाय हेलो यहाँ बोलते हैं, और अदा वाट इज आपने बोला अभी मैंने हबारिया सुबह ही, सो हबारिया सुबह मतलब यहाँ स्वाहिली भाषा में सुप्रभात गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो यहाँ हम लोग सुबह में हबारिया सुबह ही बोलते हैं। सर को सिखा दिया गया अभी इमीडिएट इफेक्ट से हबारिया सुबह ही, दिस इज गुड मॉर्निंग इन स्वाहिली लैंग्वेज। दोस्तों अब रास्ता जो है फिनिश लेवल पे आ गया, जो बना था अभी ऑलमोस्ट ख़त्म है, दिस इज आवर ट्रेडिशनल लेवल, ट्रेडिशनल जो रोड है पत्थर और सीमेंट उतर से बनाया गया है, यहाँ पे जो रोड है वो एंड हो गया है, और अब हम इसी रास्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ी चढ़ी खड़ाई पे। ये संकरा रास्ता काट कूट के बनाया गया है, देख रहे हैं सब काट काट के बनाया है। कैसे घूमता है? ऐसे घुमा लेना हाथ। अच्छा तो अभी देखिए सीन जो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन है, तो हमने कहा चलो थोड़ा इसको कवर किया जाए। साइड में देखिए क्या गिनरी और क्या वाइब्स है यहाँ की, ऑसम। तो और जो पक्षियों की आवाज़ है, कुछ तो बात है और इतना रिलैक्स फील होगा, शांति फील होगा ना, इससे कोई बात नहीं। यही जो मज़ा है इसके लिए आदमी, ये मज़ा मैं भारत के सभी नागरिकों को देना चाहता हूँ, घर बैठे तंजानिया और गेटा का, तंजानिया अफ्रीका सफर करें, सफर कीजिए, गोल्ड माइंस देखें, गोल्ड माइन तो पूरा पहाड़ी सोना है, तो सोना ही सोना है, बट व्यू जो है वैसा मॉर्निंग का ऑसम रहता है। वो देखिए ये सूरज की लालिमा है, गजब। ये तब जो लास्ट हम लोग पड़ाव कह सकते हैं इसको, अब यहाँ से सीधे जाना है और का छोड़ दे क्या चाहूंगा,
फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जब खुद को लगा और हम लोग यहाँ तो आना जाना रहता है लगा रहता है ये लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लकड़ी मैंने लिया है इन लोगों को डायरेक्शन करने के लिए कि आप ऐसे चलो वैसे चलो और कुछ लंगूर या समथिंग रहते हैं तो उसको डराने के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए इस बच्चे को समझाओ ठीक है जो अब जो है कि चढ़ाई जो थी मेन पार्ट वो खत्म हो गया है तो अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और अब थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा ये वाटरप्रूफ है ये व्यू देखिए भाइयों बारिश का मौसम है फिर भी व्यू और सीन कितना जबरदस्त आ रहा है Awesome. जाना कहाँ है भाई वो टावर खाली थोड़ा डर है हाँ ये वाला टावर है और अभी भी हम टावर से बहुत ही दूर दिख रहे हैं बट जो मेन स्ट्रगल था मेन स्ट्रगल था चढ़ाई का वो खत्म हो गया है सो अब जो है बॉडी रिलैक्स है तो अब जो है सिर्फ डाउन साइड ही जाना है तो चलते हैं डाउन साइड पहुँचते हैं टावर के पास टावर फतह करते हैं यहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा रहा वहाँ से मे बी सनराइज आया रहा इसलिए थोड़ा इस सीन क्लियर नहीं आ रहा क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट और मिस कर रहे हैं ये बॉल पतला है ना चलिए फेल हो गए हैं एक और ये पेड़ मिला है ये घुरमंटा जैसा दिख रहा है पर ये पेड़ तो कुछ और ही अपने गांव में जो घुरमंटा रहता था और पता नहीं क्या पेड़ है आप लोग देखिएगा और दिस इज ऑल्सो एक क्या अपना पहाड़ी पेड़ है और ये फल आ रहा है इसके ये एक फल है ये ये इस तरीके का फल है हाँ जा सकता है तो अंजीर जैसा है अरे इसमें अच्छा सॉरी ये दोनों अलग अलग पेड़ है ना ये अलग है ये अलग है जिनको पता हो कृपया कमेंट करके बताएं जो माउंटेन्स में ज़्यादा रहते हैं हम तो पहली बार ही देख रहे हैं कौन सा फ्रूट है आई डोंट नो ऑलमोस्ट मे बी 200-300 meters लग रहा है जो कि सामने अभी और बच रहा है पहुंचने का देखिए दो भाई और बहुत लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने आते हैं ये भी दो आदमी जा रहे हैं तो आज पर आवर कमिटमेंट टावर में पहुंच चुके हैं और ये ऑलमोस्ट 1000-1200 अप्रॉक्सीमेट इसका हाइट है जो माउंटेन अभी हम लोग कवर करके आए हैं और यहाँ भी देखिए कुछ दोस्त जो है अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और यहाँ पे वो करते हैं एक्सरसाइज करते हैं सो ऐसा कुछ व्यू रहेगा इधर भी देख लेते हैं ये टावर्स हैं जो बहुत ही हाइट पे इंस्टॉल किए गए हैं ये मेरे ख्याल से उसके गार्ड लग रहे हैं जो अपना आग वाग जला के कुछ थोड़ा ठंडा सा माहौल है और ये रहा टावर और हम लोग थोड़ा अभी रिलैक्स कर रहे हैं सर लोग हैं थोड़ा सीन देख रहे हैं इस तरह कुछ व्यू है सो दिस इज डन हाय फ्रेंड्स तो अभी हम लोग माउंटेन और ट्रैक करने के बाद नीचे जा रहे हैं उतर रहे हैं तो जो हमने जो वे लिया है वो नॉर्मल वे लिया है एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ वे आई विल शो यू सो ये हम डायरेक्ट उतर रहे हैं ये कोई रास्ता नहीं है बट चूंकि हमको जल्दी जाना है नीचे टाइम काफ़ी हो गया 7:30 के आसपास हो गया है तो चलिए दिखाते हैं कौन सा वे हमने चूज़ किया है दिस इज़ द वे वी आर वी एक्चुअली going down and you can see the city here see and ye jo mountain hai this is a gold mountain yahan se gold ki mining hoti hai aur ye rasta to kuch acha lag raha hai but aur ye sath mein humne jo raste ko choose karne ke liye markup kiya hai ki kis tarike se utra jaye so we are choosing the electricity poles so koi na koi to aaya hi hoga is पोल्स के थ्रू एक्चुअली में अगर आप देखें हो तो इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं यहाँ पे लकड़ी के होते हैं सो हम यही रास्ता चूज़ करके उतर रहे हैं सो यस और ये है अपना गेटा सिटी जो दिख रहा है ये काफ़ी छोटा दिख रहा है यहाँ से बट बहुत अच्छा है और ये हमारा लैंडमार्क हमने इसको चूज़ किया है इस तरीके कुछ रास्ता है तो थोड़ा दौड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए
रास्ता तो बहुत खराब है, पर हम दौड़ के उतरेंगे ताकि हम थोड़ा जल्दी उतर पाए, क्योंकि हमारे दोस्त लोग बहुत ही आगे जा चुके हैं। अच्छा अच्छा, हमारे फ्रेंड का रिक्वेस्ट है कि आज हम शू भूल गए हैं, स्लीपर पहन के आए, तो थोड़ा आराम से चले। आइए आइए, हाँ वेट कीजिए, आ रहे हैं प्रियांशु भाई। जूता नहीं पहने हैं तो स्लिप होने का डर है, और चूंकि खड़ी चढ़ाई है, जो कि कुछ खड़ी चढ़ाई नहीं हो सकते, खड़ी ढलान है, तो थोड़ा धीरे उतरते हैं। और ये देखिए इस तरीके से कुछ रास्ता है, सो वी हैव टू सी। और प्रियांशु भाई हमारे आते हुए, इनके थोड़ा वेट किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और जल्दी में थोड़ा हम लोग इसलिए भी हैं कि हल्की हल्की ड्रेजलिंग बूंदाबांदी चालू हो गई बारिश की, और चूंकि कैमरा तो वाटरप्रूफ है, फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, तो भीग जाएगा तो इश्यू आ जाएगा। ये साहब हमारे रुके हुए थे हमारे लिए, क्योंकि ओह माय गॉड, आराम से आराम से। पर ये रास्ता ठीक है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रास्ता है, यहाँ से हम चढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ाई अगर जल्दी कर लेते तो फिर मचा नहीं होता। हाँ करेक्ट, रास्ता देख लीजिए गाइस, दिस इज द वे। ये इस तरीके का बच बच के जाया जा रहा है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू से, माउंटेन पे आए थे, बारिश चालू हो गई, अब लीजिए कैमरे पे बारिश आ रही है, आउच, बारिश चालू हो गई है, अब लीजिए भीग भी जाएंगे हम लोग, बट क्या कर सकते हैं, अभी रास्ता बहुत दूर है, अभी माउंटेन से नीचे उतरने के बाद ही हमारा जो रूम है 3 किलोमीटर है, ऑटो वगैरह मिलेगा नहीं, इमीडिएट बेसिस पे मेन रोड पे मिलेगा, तो हमें आज भीग के जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ये स्ट्रगल भरे रास्तों से उतरा जा रहा है जल्दी की वजह से, ये देखिए, और ये पास ही दिख रहा है, देखिए ऐसे सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली वी रीच्ड, ऑलमोस्ट रीच्ड। सो मुझे अपने कुछ घर दिखने लगे हैं, सो ये कुछ टिपिकल कुछ एक घर हैं, बट ये भी जो है वो हाइट पे ही हैं, तो अभी और दूर हमें जाना है, बट थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पहुंच गए। हाँ नीचे आ गए हैं, अब थोड़े घर पर थोड़े ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो समय यस, टाइम बताया जाए, 7:55, 20 मिनट्स में ओनली उतर गए हैं, और आगे चलिए अब वो दिखाते हैं लोगों की दिनचर्या, अभी दिख जाएंगी सुबह सुबह लोग क्या क्या करते हैं, वो भी आज कवर हो जाएगा यहाँ के लोग। और घर के जो लोग हैं वो इस नज़र से देख रहे हैं कि यार ये सुबह सुबह फॉरेन वाले यहाँ पे कहाँ से आ गए अपने भारत वाले, तो कुछ लोग ऐसा सरप्राइज हैं कि यार जंगलों से निकल के कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो बच्चे लोग अपना एक्साइटेड, यहाँ देखे कुछ बच्चे ऐसा रुक के देख रहे हैं उन लोग कि यार कहाँ से उतर रहे हैं, वो सामने जो बच्चे हैं सब देख रहे थे कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं। सो दिस इज ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और साहब की तरफ से भी बाय है, जय श्री राम इनकी तरफ से आ रहा है, सो मिलेंगे फिर किस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, सी यू सेम।